इस टॉपिक का टाइटल है एच मैक एंड इट्स डिजाइन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिजाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एच मैक इस टॉपिक में जो यूज होने वाली जो फिगर्स है जो मटीरियल है दे हैव बिन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स हुज ऑथर इज विलियम स्टॉलिंग्स

टेक्निक जो क्या करता है इट अलाउज अस इट अलाउज टू डिफरेंट पार्टीज टू ऑथेंटिक आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डेटा है अथेंटिक है या नहीं है सो द यूज ऑफ ए सीक्रेट की एक सीक्रेट की यूज की जाती है टू जनरेट ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा जिसे हम क्या कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड या मैक कहते हैं दर इज अपेंडेड टू द मैसेज अगर आप इस डायग्राम को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमारा ओरिजिनल मैसेज है जो कोई फाइल हो, हो सकती है कोई डेटा हो सकती है आपने इस डेटा को लिया और मैक के एलग्रेदम को इनपुट दे दी एट द सेम टाइम जो दूसरी इनपुट है वो है आपकी सीक्रेट वैल्यू जो की है आउटपुट ऑफ दिस ब्लॉक इज द मैक जो मैसेज ऑथेंटिकेशन का कोड है आपने ये लिया और अपने ओरिजिनल मैसेज के साथ इसको अपेंड किया और ट्रांसमिट कर दिया रिसीविंग साइड पे क्या होगा कि आपने क्या किया इनपुट अप्लाई की को एलग्रदम को की अब जो सेंडर है और जो रिसीवर है की जो सीक्रेट वैल्यू है वो दोनों शेयर कर रहे हैं तो वो की वही की अप्लाई की गई है मैक एलग्रदम को और जो आउटपुट आई है वो एक मैक कोड है अब आपने जो रिसीव मैक कोड है और जो आपने एस्टिमेट किया है इन दोनों को कम्पेरिजन करना है अगर तो दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है आपका मैसेज ऑथेंटिकेटेड है दिस इज हाउ मैक वर्क नाउ देर हैज बिन ए ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एन मैक ड्राइव फ्रॉम ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन सच एज एस एच ए वन मोटिवेशन आर जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होते हैं दे आर जनरली फास्टर इन सॉफ्टवेयर दैन कन्वेंशनल इंक्रिप्शन एलग्रदम सच एस डीई एस तो हम ये चाहते हैं कि डीईएस जो इंक्रिप्शन एलग्रदम्स है उनको ना यूज किया जाए और हमारे जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है उनको हम यूज करें बिकॉज दे आर मच फास्टर सिमिलरली आपके पास जो लाइब्रेरी कोड अवेलेबल है फॉर द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन वो वाइडली अवेलेबल है तो आप उसको इस बड़े इजी इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं एक हैश फंक्शन सच एज एस एच ए इसको ऐसे इस पर्पज के लिए डिजाइन नहीं किया गया था कि वो मैक के साथ यूज किया जा सकते एंड इट कैन नॉट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द पर्पज बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट ए सीक्रेट की सो हमारे पास जो प्रपोजल्स थी Among the proposals for the incorporation of a secret key into an existing hash algorithm which it is the approach that has received the most support E subsidies the popular h this was issued in uh, this was issued in uh, as uh, RFC request for uh, comments two one zero four and it was a standard as published by niST fips one ninety eight or a mandatory टू इंप्लीमेंट दिस मैक फॉर आईपी सिक्योरिटी आईपी सेक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी में भी यूज किया जाता है और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में भी यूज किया जाता है जो एज मैक है इसके डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या है जो आर एफ सी जो रिक्वेस्ट फॉर कॉमेंट है टू वन जीरो फोर इट विलोइंग डिजाइन ऑब्जेक्टिव फॉर द एज मैक पहला ऑब्जेक्टिव क्या है वी वुड लाइक टू यूज विदाउट मॉडिफिकेशन जो अवेलेबल हैश फंक्शन है तो आप चाहते हैं कि जो आपके अवेलेबल हैश फस है उनको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज किया जा सके सो so, इसको हम कैसे सोच सकते हैं इन पर्टिकुलर हैफॉर्म वेल इन सॉफ्टवेयर एंड फॉर विच द कोड इज फ्रीली एंड वाइडली अवेलेबल तो हम ऐसे हैश फंक्शन को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं टू अलाउ फॉर इजी रिप्लेबिलिटी ऑफ द इम्पेडेड हैश फंक्शन इनकेस फास्टर और मोर स्क्योर हैश फंक्शन आर फाउंड और रिक्वायर्ड अगर तो आपके पास आप बेहतर सा हैश फंक्शन का एल्ग्रोदम डेवलप कर लेते हैं तो यहां पर इजिली इसको रिप्लेस करना भी आसान होना चाहिए नंबर थ्री टू प्रिजर्व द ओरिजिनल परफॉर्मेंस ऑफ द हैश फंक्शन विदाउट इंकरिंग सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन तो आप चाहते हैं कि जब आप उसको उसकी जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है उसको प्रिजर्व करें ऑब्जेक्टिव नंबर फोर ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं टू यूज एंड हैंडल द कीज इन ए सिंपल वे हमारा जो ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव है वो क्या है टू हैव ए वेल अंडरस्टूड क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑथेंटिकेशन मैसेज बेस्ड ऑन रीजनेबल एजम्पशन ऑन द एम्बेड हैश फंक्शन जो हमारे पहले दो ऑब्जेक्टिव थे दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एच मैक एच मैक ट्रिक्स द हैश फंक्शन एज ए ब्लैक बॉक्स एज मैक क्या करता है आपका जो हैश फंक्शन है उसे ब्लैक बॉक्स के तौर पर ट्रीट करता है तो एक तरफ से इनपुट आ रही है दूसरी तरफ से आउटपुट आ रही है और ब्लॉक ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता सो दिस हैज टू बेनिफिट एक्चुअली फर्स्ट उस ब्लैक बॉक्स में आप क्या करते हैं एन एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए हैश फंक्शन कैन बी यूज एज ए मॉड्यूल इन इंप्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग दैक सेकेंड इफ इट इज एवर डिजायर टू रिप्लेस गिवन हैश फंक्शन इन एन एज मैक इंप्लीमेंटेशन तो ये बड़ा सिंपल है आप क्या करते हैं एज एग्जिस्टिंग हैश फंक्शन मॉड्यूल को रिमूव कर दें एंड ड्रॉप इन इन द न्यू मॉड्यूल। जो लास्ट डिजाइन ऑब्जेक्टिव है इन द प्रीसीडिंग लिस्ट इट इज इन फैक्ट द मेन एडवांटेज ऑफ एज ओवर अदर प्रपोज हैश बेस स्कीम्स तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एज पैक और इसके जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको डिस्क्राइब uh, किया है